भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई का एक दल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां की समीक्षा करने और राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया लेने के लिए गुरुवार श्रीनगर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में एक दल शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सभागार के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 6 अगस्त को अलग अलग राजनीतिक दलों को पत्र जारी कर उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया था। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए समय दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी सहित अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ईसीआई टीम से मिलने के लिए एसकेआईसीसी पहुंची है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले सहित पुलिस और नागरिक प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी एसकेआईसीसी पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 सितंबर को दी गई समय सीमा से कुछ सप्ताह पहले निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी हैं। आयोग सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की 3 दिवसीय यात्रा पर समापन 10 अगस्त को जम्मू में होगा, जहां वे प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुआ था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। ये सरकार 4 साल चली। जून 2018 में बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और इसके बाद सरकार गिर गई। इसके बाद से वहाँ चुनाव नहीं हुए और यानी पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई भी निर्वाचित सरकार नहीं है। साल 2019 में अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने थे। तब तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चुनाव न कराने की बात कही थी। इसके कुछ महीने बाद केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग हुई थी। तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि ये सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे। वहीं प्रदेश में सुरक्षित लोकसभा चुनाव बगैर हिंसा के अमरनाथ यात्रा पूरे किए जाने के बाद सुरक्षा को लेकर भरोसा कायम हुआ है। हालांकि हाल ही में रियासी आतंकी हमला और उसके बाद कुछ और आतंकी हमलों लोगों का ध्यान खींचा है, जिससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाल ही के महीनों में केंद्र सरकार ने भी कई नए प्लान तैयार किए हैं। इसी साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान से मिली सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिए थे। बहरहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।